हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। मैं सभी का आरसीई केमिस्ट्री फर्स्ट ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर था जो डी ब्लॉक वो समाप्त हो गया। आज अपना जो नया चैप्टर है उस चैप्टर है लेसन नंबर 3, उसका नाम है विद्युत रसायन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। विद्युत रसायन जो अपना चैप्टर है उसकी शुरुआत अपना आज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये जानते कि विद्युत रसायन होती क्या है। विद्युत रसायन, विद्युत रसायन होती क्या है? तो विद्युत रसायन तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें सवतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या उत्पन्न हो रही हो? विद्युत ऊर्जा। उत्पन्न हो रही हो विद्युत ऊर्जा जिसमें सवतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या उत्पन्न हो रही है? विद्युत ऊर्जा। और इस विद्युत ऊर्जा के उपयोग से सवतः अप्रवर्तित प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है वह शाखा कहलाती है विद्युत रसायन। वह क्या कहलाती है? विद्युत रसायन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें सवतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप क्या उत्पन्न हो रही हो? विद्युत ऊर्जा। और इस विद्युत ऊर्जा के उपयोग से सवतः अपरिवर्तित प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है वह शाखा कहलाती है विद्युत रसायन, ठीक है। अभी सवतः अपरिवर्तित का आधार पर हम देखते हैं तो बात करते हैं चालक और कुचालक। ये तो देखते हैं चालक क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा को चालन करते हैं, वो कहलाते हैं चालक। क्या कहलाते हैं? चालक, यानी जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो कहलाते हैं चालक। जैसे धातु, सभी धातु क्या है? चालक, ठीक है। इसी श्रेणी में दूसरा आता है अपना अचालक। अचालक यानी जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जो अपने आप में से विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं करती है वो कहलाती है अचालक। जैसे रबर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, आदि सभी क्या कहलाते हैं? अचालक, ठीक है। यानी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह, तो विद्युत धारा के जो गुण है, विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर क्या होगा? एक हो गया चालक और एक क्या होगा अपने अचालक। जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो क्या कहलाता है? चालक। और जिसमें से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित वो कहलाता है अचालक। जितनी भी धातु है वो सभी क्या है? चालक है। कांच, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, सभी क्या है? अचालक, ठीक है। अब बात यह आती है तो जो चालक होते हैं, तो चालक विगम देते हैं, चालक होते हैं जो विद्युत धारा का प्रभाव होता है। तो विद्युत धारा का प्रभाव भी दो कारणों से होता है। कितने कारणों से होते हैं? दो। यानी कोई पदार्थ चालकता का अपना जो गुण प्रदर्शन करता है दो प्रकार से करता है। यदि उसमें विद्युत धारा का प्रभाव या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है या मुक्त आयन के कारण होता है। किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह कितने कारणों से होता है? दो से, मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आयन के कारण होता है। इसी आधार पर जो चालक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। चालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। चालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यदि उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है तो वो चालक कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। ठीक है। यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। और इलेक्ट्रॉन किसमें होती है? धातु में। तो ये क्या कहलाते हैं? धात्विक चालक।
समान क्या हो इसका धातु चाल। तो चालक एकता इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन चाल क्या धातु चाल। नंबर दो है यदि विद्युत धारा का प्रभाव मुक्त आयनों के कारण होता है उसके अंदर तो कहलाते हैं विद्युत अपघटनी चाल। विद्युत अपघटनी चालक तो जितने भी विद्युत अपघटे उसमें विद्युत धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के कारण न होकर मुक्त आयनों के स्थानांतरण के कारण जो चालकता उत्पन्न होती है वो कहलाते हैं विद्युत अपघटनी चालक। तो चालक कितने प्रकार के अपने दो, इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक नंबर पहले एक देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक। तो वो पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन के कारण होता है तो सभी क्या कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक। ये सभी धातु ही होती है, धातु में जो विद्युत धारा का प्रभाव होता है मुख्य इलेक्ट्रॉन कारण होता है, जितने भी धातु तत्व वह इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। ठीक है, बात यह आती है कि इन धातुओं के अंदर जो चालकता का मान होता है किस पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक चालकों में जो चालकता का मान होता है वो निर्भर करता है नंबर एक है संयोजकता, कोष में इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। इस संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, भाई विद्युत धारा का चालक किसके कारण होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, तो किस पर निर्भर करता है संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। नंबर दो धातु की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर। और नंबर तीन है ताप पर, नंबर किस पर निर्भर करता है ताप पर। तो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है वो क्या कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक। इलेक्ट्रॉन चालक किस पर निर्भर करती है धातु के संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, धातु की प्रकृति पर, नंबर तीन है धातु वो ताप पर। ठीक है, तो ये तो थे अपने इलेक्ट्रॉनिक चालक। नंबर दो है अपना विद्युत अपघटनी चालक, विद्युत अपघटनी चालक। देखिए विद्युत अपघटनी यानी पदार्थ में क्या प्रवाहित की विद्युत धारा, पदार्थ में क्या होगा अपघटन, उसके कारण क्या उत्पन्न होगी चालकता, उसके कारण क्या उत्पन्न होगी चालकता। यानी किसी पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाए उसका क्या कार्य हो जाए अपघटन हो जाए, उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाए उसमें चालकता, तो क्या कहलाता है विद्युत अपघटनी चालक। यानी जो चालकता उत्पन्न मुक्त आयनों के कारण, मुक्त आयनों के कारण इन पदार्थों से चालकता उत्पन्न होगी किसके कारण होगी मुक्त आयनों के कारण। जैसे पदार्थ में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसका क्या होता है अपघटन हो जाता है, अपघटन होने की वजह से उसमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं मुक्त आयन। और ये मुक्त आयन है विपरीत आवेश आयन को गमन करते हैं जिसके फलस्वरूप पदार्थ में विद्युत धारा का चाल होता है, ये सभी कहलाते हैं विद्युत अपघटनी चालक। जो विद्युत अपघटनी चालक है ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में क्या होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं कुचालक, यानी चालकता प्रदर्शित नहीं करते। परंतु जो द्रव अवस्था होती है द्रव अवस्था में क्या करते हैं चालक, चालकता प्रदर्शित करते हैं। जो ठोस अवस्था होती है उसमें इनके पास मुक्त आयन नहीं होते हैं इसकी वजह से क्या होते हैं कुचालक, परंतु द्रव अवस्था में इसमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं मुक्त आयन जिसकी वजह से चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये अपना था जर्नल इसका इंट्रोडक्शन विद्युत रसायन का। तो विद्युत रसायन होती क्या है यानी वेब रसायन विज्ञान की वैसा का जिसमें स्वतः प्रवृत्ति रासायनिक फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही हो और इस ऊर्जा के उपयोग से स्वतः अप्रवृत्ति प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाते हैं विद्युत रसायन। ठीक है, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है वो क्या कहलाते हैं चालक, और जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता वो क्या कहलाता है अचालक। ठीक है, अब बात अपन डिटेल करते हैं चालक की। चालक में पदार्थ में चालकता कितने कारण उत्पन्न होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, तो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चालन, और विद्युत धारा का अपघटन होते हैं क्या कहते हैं मुक्त आयनों के कारण, उसमें चालकता उत्पन्न क्या कहते हैं विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।